الله أكبر الله أكبر لا ऐ अल्लाह पाक, मुसाफिरों की हिफाजत फरमाइएगा। सारे मुसाफिर खैरियत व आफियत के साथ अपने प्यारों के दरमियान पहुँचे। आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم कल शाबाश, तमाम बच्चे जो है टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है? अभी आप लोग सब जाओ घर। शाबाश। अल्लाह अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी इमाम साहब, सज्जाद अर्ज कर रहा हूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह के एहसानात को शुमार नहीं कर सकते सज्जाद साहब, आजीज और मिस्कीन है। बेशक बेशक। अच्छा, आपके इल्म में ये लाना था इमाम साहब कि जो मेरा बेटा है दायान, वो अपनी तालीम मुकम्मल करके वतन वापस आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह बच्चों को खुश और सलामत रखे। आमीन। बस आपसे दरख्वास्त इतनी है कि उनके हक में दुआ किया कीजिए। अल्लाह अपना बना कर रखे। आमीन। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तू ही तू ला शरीक लहु। बेगम साहिबा, आप यहाँ? मैं बनाती हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं लेट हो गई आज। तुम लेट नहीं हुई, आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। भाभी के आने की खुशी इतनी होती कि वक्त से पहले आँख खुल जाती है। इस दफ़ा आया भी तो इतने दिनों बाद है ना, इसलिए मैंने सोचा अपने हाथ से उसकी पसंद की कॉफ़ी बनाऊँगी। एक ही बेटा है आपका, अल्लाह सलामत रखे, इसलिए तो आप उन्हें इतना चाहती हैं। और जिन्हें चाहते हैं उनके लिए कुछ करने में खुशी और होती है। जी। उठ गया भाभी? जी बेगम साहब, आप स्विमिंग कर रहे हैं साहब, तो बहुत अच्छे से स्विमिंग करते हैं। मेरा बेटा सब कुछ अच्छा करता है। चलो कॉफी लेके आओ। जी। आओ
अंदर है। कॉफी रेडी है? जी सर। उनको बोलो मेरे लिए कॉफी आले हैं। हे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल कॉफी बनाई। स्पेशल तो होने थी, आखिर मेरी माँ ने जो बनाई। Let's see. तुम्हें याद है आज हमने कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हो? Don't tell me you don't remember. बॉबी, मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूँ, so take it seriously. You know, मैं तुम्हें मजीद मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या आपको मेरी आजादी चुभती है? बाज़ हथकड़ियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं मेरी जान, और जब कैद खूबसूरत हो जाए तो आजादी बुरी लगती है। ओके, अगर ये बात है तो देखते हैं कि आपकी रेकमेंड की हुई हथकड़ी कितनी खूबसूरत है, लेकिन ये मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे अरेस्ट होना है या नहीं। यू कांट फोर्स मी इनटू इट। डन। तो फिर तय है कि हम दोनों वहां जा रहे हैं। या वी गोइंग। अरे भाई निमरा, आ गई जी, बस एक सेकेंड। जल्दी करो, देर हो रही है। मैं तैयार हूँ। दुआ? नहीं जा रही दुआ। क्या मतलब? दीवानों की तरह रात से दायान का कमरा सजा रही है। मैंने कहा भी कि पिक करने हमारे साथ चलो, उसे वेलकम करने, खुश हो जाएगा तुम्हें देखकर। लेकिन ये लड़की कभी किसी की सुनती है? अल्लाह करे हमारी औलाद में ये प्यार हमेशा कायम और दायम रहे इसी तरह। आमीन। चलो जल्दी करो, आधा घंटा रह गया फ्लाइट आने में, लेट हो रहे हैं। मुझसे ज्यादा जल्दी नहीं होगी आपको, 2 साल बाद आ रहा है मेरे जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा? वो तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है और हम गैर है ना? बस ऐसे ही ना बोला, ऐसे ही है बस। हो गया सुग्रा? जी बाजी, मिस कर रही हूँ। अल्लाह, ये तुम क्या कर रही हो? बस रहने दो, हो गए तुमसे पूल सेट। भाई नाजुक चीजों को हैंडल करने का एक तरीका होता है, ये क्या बड़े की तरह ठोक रही हो? भूल ना हो गए, कीले हो गई। अब मैं खुद करती हूँ, रुक जाओ। वैसे भाई के आने से बहुत खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा भाई 2 साल बाद आ रहा है। और तुम्हें पता है 2 साल में कितने दिन होते? मैंने और मामा पापा ने गिन गिन के दिन गुजारे। हमारी छोटी सी फैमिली का मरकज है वो, यानी कि हम सब की जान है इसमें। आपसे बड़े हैं दायान साहब या छोटे? ना बड़ा ना छोटा, प्रिंस पता है ना क्या होता है, जुड़वा भाई है मेरा। हम दोनों एक साथ इस दुनिया में वारिद हुए थे। वो मैं तो भूल गई, अगर उसने ये सुन लिया तो मुझसे लड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि ये पूरे 5 मिनट बड़ा है मुझसे, 5 मिनट, इसलिए तो इतना रोब जमाता है। Oh, finally I'm back. I'm so happy. Shukar Allah. And I miss you guys. Me too. We missed you too. मुझे एक बात बताएंगे, दुआ किधर है और क्यों नहीं आई? अम्मा यार, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप लेने आए हैं, बनफ़से नफीस खुद, तुम उनकी फिक्र करो, तुम्हें अपनी बहन की पड़ी हुई है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। You know I love you and you too. We love you too बेटा। ठीक बात समझ नहीं आई यार कि मैंने इतना इतना मुश्किल फैसला कैसे ले लिया था। कुदरत कराती है बेटा ऐसे फैसले। बट वॉट, दुआ किधर है? अरे हाय, तेरी तो सुई एक ही जगह अटक गई। भाई घर जा रहा है ना, उससे खुद ही पूछ ले। मुझे नहीं पूछना उससे कुछ, मुझे बात ही नहीं करनी है उससे। ये 2 साल बाद आए हैं हम यार, मतलब 2 साल बाद आए, मुझे कम से कम एयरपोर्ट आ जाती पिक करने। चलो जी, क्या याद करोगे दयान साहब? तुम्हारी पसंद के सारे नॉवेल्स खरीद कर लाई हूँ जनाब, और वो भी अपने पैसों से। अब्बा से नहीं लिए मैंने, ये कलेक्शन देखोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। मुझे अम्मा अब्बा के साथ एयरपोर्ट पर नहीं देखोगे तो बहुत गुस्सा करोगे, मैं जानती हूँ।
लेकिन फिर जब अपना कमरा और मेरी मेहनत देखोगे तो सारा गुस्सा भूल जाओगे। वेलकम होम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये है दुआ, वो कॉल तुम्हारे जिसका जिक्र कर करके मैंने तुम्हारे कान खा लिए। खाए तो थे बच्चों, अब तुम मेरे कान खाओगे, देख लो। अच्छी माँ, हेलो। हेलो मेरी जान, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मेरा बेटा मुस्तजा, दुआ। नाइस टू मीट यू। नाइस टू सी यू। अंदर चले? हाँ आइए प्लीज, आइए। थैंक्स, आफ्टर यू। अरे वाह, दयान आ रहे आज, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो इसी बहाने हम उससे भी मिल लेंगे, और मैं बॉबी को भी खास तौर पे तुम लोगों से मिलवाने के लिए आई हूँ। ये भी 3-4 साल बाद आया है। मैंने सोचा कि मेरी और निम्रा की इतनी पुरानी दोस्ती है और हमारे बच्चे आज तक मिले ही नहीं, मिलना चाहिए ना? जी बिल्कुल। लगा गए। तुम्हारे लिए नहीं थे। नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू सो मच। अब मुझे आपके घिसा पिटा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं चाहता था यार कि एयरपोर्ट पे बाहर मेरा इंतजार करती खड़े होके, वहां से मुझे वेव करती, उछलती कूदती, लेकिन नहीं, इन्होंने तो सब भूल जाना है। सिर्फ 2 साल में सब भूल गई। पापा देखे ना इसको, मैं इतना इंतजार करी थी इसका। नहीं आप ना कीजिए, क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज समझा देना। मुझे नहीं बात करनी भाई, तुम जाओ यार। अरे ये क्या बदतमीजी है? अम्मा पापा देखे ना इसे, 2 साल अमेरिका में पढ़ के भी दिल्ली की अकल नहीं है इसे, बिल्कुल कोरे वापस आए हो तुम। मैं कितनी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी अम्मा। क्या हो गया यार, ये कैसी हिमाकत है? नहीं। प्लीज यार, आई एम सॉरी यार, अब प्लीज समझाएं। अच्छा बच्चू, अब पता चला कौन हारा कौन जीता? हाँ ये क्या है, ये हारा कौन जीता? I'm so sorry. I'm extremely sorry. असल में जब जरूरत से ज्यादा खुशी मिलती है ना तो ऐसा ही होता है। तो ये आपकी जरूरत से ज्यादा खुशी? जी, ये है दयान, मेरा प्यारा भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाय। हेलो। पहली दफा मुझे कमी का एहसास हुआ है। एक्चुअली मैं अकेला हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी तारीफ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। तुम बॉबी हो ना शायद? जी। अरे वाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया। शकीला आई है कि नहीं? जी आई है, शी इज राइट देयर। अरे वाह भाई वाह, आज हम माँ बेटा तो बहुत ही अच्छे वक्त पे आए। बहुत मुबारक हो बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। So happy to see you. Likewise. अंदर चले? Sure. हाँ, चले। अच्छा
असल में 2 साल पहले मैं अमेरिका चला गया था, वहां से एमबीए कंप्लीट किया है। अब क्या इरादा है आपका? कुछ नहीं, अब्बा के साथ उन्हीं के फार्म में उनका बिजनेस संभालेंगे। अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने शहर से खासा फासले के ऊपर अपना ये फार्म हाउस बनाया हुआ है? नहीं, असल में अम्मा अब्बा को इस जगह से बहुत मोहब्बत है, वो लोग कभी राजी नहीं हुए इस जगह को छोड़ने के लिए। मैंने और दुआ ने अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कंप्लीट किया है। खैर, अब तो हम लोग को आदत सी हो गई है, लेकिन दुआ अभी भी पढ़ाई कर रही है। क्या पढ़ रही हैं आप? मैं इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। इस्लामिक स्टडीज? लेकिन इस्लामिक स्टडीज ही क्यों? आई मीन फाइन आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुश्किल था? या शायद मुझे लगता है पाकिस्तान में वैसे लड़कियां आसान सब्जेक्ट लेने को प्रेफर करती हैं, नहीं? बात मुश्किल या आसानी की नहीं होती मिस्टर मुस्तजा, बात अपने अपने इंटरेस्ट की होती है, और यहाँ पर लड़का और लड़की का डिफरेंस करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां जहाज भी उड़ा रही हैं। वैसे देखा जाए तो आसानी के लिए आपने भी अपना नाम मुस्तजाब से बॉबी कर लिया है, क्यों? सारे इसके बचपन के दोस्त हैं, इंतजार कर रहे थे ये यहाँ पहुंचे, अब नहीं जान छोड़ते इसकी। सज्जाद, अब तो हम दाई की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। ये उम्र ही ऐसी होती है भाई, एक दूसरे को देखे बगैर निवाला अलग से नहीं उतरता। कैसा है? आजा आजा आजा। ये उनको टूटा। क्या ले भाई? जबरदस्त। चलो मिलना मिलाना बाद में करना, पहले गाड़ी में बैठ। कहाँ जा रहे? तू बैठ तो सही ना। आ तो सही। तुम्हें पता है दुआ, तुम्हारी अम्मी और मैं सिर्फ नेबर्स या फ्रेंड्स ही नहीं, आपस में कजन्स भी हैं। वाकई? हाँ, तुम्हारी खाला भी लगती हूँ मैं। जी, और तुम्हारी ये खपती खाला रात को पहुंच जाती थी 3 बजे कि चाय बनाओ और चलो बातें करते हैं। हाय निम्रा, क्या याद करा दिया, कितनी खूबसूरत यादें थी, एल्बम की तरह हर बात जहन में महफूज है आज भी। हमारा तो दिन नहीं निकलता था जब तक हम एक दूसरे को देख नहीं लेते थे। बस करें मामा। क्यों? सजाद अंकल चलो स्वीट कर रहे हैं मेरे से। वो दुआ, मैं सोच रही थी कि तुम मुस्तजाब को अपना फार्म ही दिखा दो। जी जरूर, क्यों नहीं। दुआ, मुस्तजाब पहली दफा घर आया है, जाके उसे फार्म दिखाओ। जी अम्मा, आप चाय पी लें फिर हम चलते हैं। जी। आइए प्लीज। तो ये सारी ज़मीनें आप लोगों की हैं? जी हाँ,
आइए। बेसिकली मेरे अब्बा जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, काफी हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन कभी इस लाइफस्टाइल से खुद को अलग नहीं कर सके। इश्क है उनको इस लाइफस्टाइल से। आपको है इश्क किसी से? Excuse me. I mean, are you crazy about something? अरे क्या हुआ तुम्हें? ओहो कांटा चुभा। I love this corner in your house. Really? You like it? और तुम्हारे plants, माशाल्लाह यार. Great. बॉबी कितने अरसे के लिए आया पाकिस्तान शकीला? 2 महीने के लिए आया माशाल्लाह. बड़ी अच्छी तरह सारा बिजनेस संभाल लिया है. वरना रऊफ की डेथ के बाद मैं तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई थी. समझ ही नहीं आता था ये सब कुछ होगा कैसे, मैं कैसे संभालूंगी. और बॉबी एकदम इतना कॉन्फिडेंट, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो गया. मुझे तो अभी भी हैरत होती है, मुझे तो अभी भी इतना सा लाओ भाली सा बच्चा लगता है. बट ही रियली टुक केयर ऑफ मी. ग्रेट. अगर औलाद नेक और फर्मा बरदार निकल आए ना, बस पेरेंट्स के लिए यही सबसे बड़ा एहसास है. निम्रा, मैं आज एक खास मकसद से यहाँ आई हूँ. ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम इतनी तमहीद बांध रही हो, बोलो ना. देखो लड़कियां तो बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज की हैं और कुछ तो खुद प्रपोज कर चुकी हैं मुस्तजाब को. लेकिन जैसी लड़की मुझे उसके लिए चाहिए वो मुझे सिर्फ दुआ में नजर आती है. ओ, ये बात है. मेरा मतलब है कि अगर वो एक दूसरे को पसंद कर लें और हम उन्हें इस रिश्ते में बांध दें तो हमारी दोस्ती को भी एक किनारा मिल जाएगा. शकीला, मैं तुम्हारी फैमिली को जानती हूँ, मैं मुस्तजाब को जानती हूँ, तुम्हारे ख़ानदान को जानती हूँ. सब कुछ बहुत बेहतरीन है. यकीनन वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारे घर की बहू बनेगी. लेकिन यार ये कैसी बात है जिसका फैसला ना तो मैं दुआ से पूछे बगैर कर सकती हूँ और ना सज्जाद और दाई से मशवरे के बगैर. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट निम्रा. मैं तो तुम्हें यह बात बताना चाह रही थी कि अगर वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो. इसीलिए तो मैंने उन्हें बहाने से बाहर भेजा है कि मे बी सी यू आर क्लेवर. डैड की सडन डेथ ने मुझे रियल वर्ल्ड में लाके खड़ा कर दिया. मैं तो बहुत केयरलेस और गैर जिम्मेदार था. सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अंदर इतने खूबियां और इतने टैलेंट छुपे हुए हैं. डैड के जाने के बाद मामा को संभालने के साथ साथ कानूनी मामलात भी देखे, बिजनेस भी संभाला और अब हमारा बिजनेस सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके और कनाडा में भी हम लोग स्प्रेड आउट करने का सोच रहे हैं. स्टेकिंग ओवर. सो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन लाइफ. क्या ख्याल है? जी आप कहिए, मैं सुन रही हूँ. मैंने अपनी प्लानिंग और मेहनत से हर मुश्किल पे काबू पा लिया. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, खुद पे बहुत भरोसा है मुझे. मेरे फ्रेंड्स कहते हैं मेरी पर्सनालिटी बहुत मजबूत और मुतासर कुन है और मुझे लगता है कि खुद पे भरोसा रखने वाले लोग शायद ऐसे ही हो जाते हैं. Am I right? अरे कितना क्यूट है ये. वाकई काफी क्यूट है. वैसे आपको इंप्रेस करना खासा आसान है. मैं फालतू में इतनी कोशिश कर रहा हूँ. आ जाओ शाबाश, देखें इसे कितना क्यूट है ये. जाओ मम्मा के पास.
मैं भी हूँ यहाँ। देखा आपने रिश्तों में कितनी अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन रिश्तों में नहीं, पर्सनालिटीज में होती है। मैं समझी नहीं। अब जैसे ये बकरी का बच्चा, इसको ये नहीं पता कि वो बकरी इसकी माँ है, लेकिन हाँ उसके वजूद में उसको अट्रैक्शन नजर आती है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि हमें प्यार के लिए वजूद चाहिए, एहसास नहीं। और उस प्यार का क्या जो हम अपने खुदा से करते हैं, वो कैसे मुमकिन है फिर? मम कहती है मेरी पर्सनालिटी में बहुत करिश्मा है, मैं जिस भी लड़की को प्रपोज करूंगा वो बहुत लकी होगी। मुझे लगता है सारा करिश्मा मेरी पर्सनालिटी का है। क्या? I don't know. क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान को इंसान की जिंदगी में उसके हालात और वक्त ही बताते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में किधर खड़ा है। तो फिर क्या समझा आपने, कहाँ खड़े हैं आप? Well, फिलहाल तो यहाँ आपके सामने आपके फार्म पे खड़ा हूँ, और पता नहीं क्यों जब मेरी मामा ने मुझे पूछा यहाँ पे आने का तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। मुझे लगा मेरे इंटरेस्ट की यहाँ पे कोई चीज नहीं होगी। फिर आपका ख्याल दुरुस्त निकला या गलत? जवाब उधार। आइए अंदर चलते हैं। प्लीज आइए। ये दाई है, आई मीन दायान। अभी मिले ना आप इससे, मेरा भाई। मेरे पास ज्यादातर उर्दू लिटरेचर, अदब और सफरनामे हैं। आपको शायद समझना है, आप तो उर्दू इंग्लिश के अलावा फ्रेंच रशियन लिटरेचर पढ़ने की कोशिश की है, मैंने खासा अंडर एस्टिमेट कर लिया। सॉरी। Nice. वैसे मैं गालिब और फैज भी पढ़ चुका हूँ। बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं। असल में मेरी नमाज कजा हो रही है, मैं नमाज पढ़ लूँ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आप बुक्स देखिए। चलो। बॉबी बताओ फिर कैसी लगी दुआ? कैसी लड़की है? जैसी होती है कोई दुआ के दो कान एक नाक एक मुंह, नथिंग स्पेशल। रियली? आर यू किडिंग मी? ऑफ कोर्स नॉट। आम लड़की तो वो कहीं से नहीं। अच्छा, जरा मुझे भी पता चले ऐसा क्या खास है उसमें, सुनना चाहूंगा।
अच्छा तुम्हें क्या स्पेशल चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर में, मैं भी तो सुनूं। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे दुनिया से थोड़ा हटकर तो ट्रीट करे। उसकी आंखों में मेरे लिए थोड़ा प्रेज हो, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हो। उसने तो मुझे ऐसे ट्रीट किया, मैं अपने आप से पूछ रहा था हुआ माए, ऐसे जैसे 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 आई डोंट नो। मैं बताऊं? जैसे ये भी हूं कि दुआ तुम्हें पसंद आई है। बस उसने तुम्हारी आना का परचम सर निगू कर दिया, ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। क्या 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 कर दिया? So what? अच्छा मुझे बताओ ना साफ साफ, मैं निम्रा से बात करने वाली। I don't know. देखो मैं उससे बकायदा रिश्ते की बात करूं या नहीं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं इसरार नहीं करूंगी, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो टाल मटोल से काम ना लो। मैं चाहती हूँ इस दफा तुम अमेरिका अकेले ना जाओ, तुम्हारी शरीक है या तुम्हारे साथ जाए। ओके, जैसा आप चाहती हैं वैसा आप करें। रियली? जैसा मैं कहती हूँ वैसा होगा? अब तुम ये कहोगे कि मेरी ही खुशी में तुम्हारी खुशी है? चलो लड़के, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, बट थैंक यू। कभी बकरी का बच्चा, कभी कबूतर का बच्चा, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया मस्तुआ। दयान खबरदार, जो तुमने मुझे शूट किया तो मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें, देखो छुपकर बुजलवार करते हैं। Come on man, चुपके कौन वार कर रहा है? ये देखो, ये सामने से वार करो और मार लो तुम्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन पे फायरिंग करते हुए? अच्छा, मुझे शर्म आ जाए? और ये जो बहन इतनी देर से मुझे मारने की कोशिश कर रही है वो कुछ भी नहीं। अच्छा पता, तुम लड़कियों का यही मसला है, हारने लगती हो तो फिर या तो रोगी या फिर दुआइयां देने लगोगी। हाँ, और तुम लड़के भी कितने सेल्फिश होते हो, कल से आए हुए हो लेकिन ये नहीं हुआ कि बहन को अच्छे से डिनर पे ले जाओ, बस अपने दोस्तों में घुसे हुए हो। अब तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। और हमने तो करीबी दोस्तों को इनविटेशन भी दे दिया है। वाकई अम्मा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं अपनी दोस्तों को बताती हूँ, उन लोगों को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है हमारे घर आने का। बता के आ रही हूँ। शकीला ने मुस्तजाब का रिश्ता मांगा है दुआ के लिए। दुआ का रिश्ता? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है बेटा? नहीं लेकिन मुस्तजाब तो अमेरिका में रहता है ना। अरे भाई, मेरा और सज्जाद का ख्याल है कि जहां लड़की का नसीब लिखा होता है ना, उसे वहां खींच के ले जाता है, और असल मकसद तो ये है कि दुआ खुश रहे, फिर वो पाकिस्तान में रहे या अमेरिका में, हमें तो उसकी खुशी चाहिए। अभी देखो ना, 4 साल पहले तक मुस्तजाब ऐसा नौ उम्र खलंदा सा लड़का था, पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं हुई थी उसकी, सुहेल भाई चल बसे। हाय बेचारी शकीला, वो बेचारी तो गुमसुम हो गई थी, और मुस्तजाब तो पढ़ रहा था, उस पर क्यामत टूट पड़ी। लेकिन भाई माशाल्लाह, मुस्तजाब ने खुद को संभाला, शकीला को संभाला, बिजनेस को संभाला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। साबित कर दिया मुस्तजाब ने
हीरे की असल परख तभी होती है जब उस पर बोझ पड़ता है। देखो जब वो अपनी माँ को लेकर इतना केयरिंग है तो बाकी रिश्तों के लिए कितना केयरिंग होगा। सजाद भी यही कह रहे थे, बहुत इंप्रेस हुए हैं वो। जानने वाले हैं, अच्छा खानदान है, कराबतदारी है, स्टेबल है, ऐसे रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं ना। आप लोगों ने दुआ से पूछा? नहीं, सबसे पहले तुमसे ही बात की है दाई। नहीं, सबसे पहले दुआ से पूछिए, वो क्या चाहती है ये ज्यादा जरूरी है। फिर उसका जो भी फैसला होगा मुझे काबिली को बोला। बस वह हमेशा के लिए इतना दूर चली जाएगी, ख्याल काफी तकलीफ दे। बेगम साहिबा, ये कुछ ड्रेस डिजाइनर ने भेजे। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं का इंतजार कर रही थी। ये साइड पे कर दो जी, ये साइड पे कर दो जी। दिखाओ दूर से। हाय हाय बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। बताओ इन दोनों में से कौन सा पहनूं? दे ऑल लुक वेरी नाइस। इन फैक्ट आप कुछ भी पहनने लगता है आपके लिए ही बना। तैयारी कहाँ की है? ठीक है, ये दोनों साइड पे टांग दो जी और वो वापस भेज दो। ओके। निम्रा और सजाद भाई ने दयान के आने की खुशी में गेट टुगेदर रखा है, हम दोनों भी इनवाइटेड हैं। मुझे लग रहा है इसी बहाने वो रिश्ते की बात भी करना चाह रहे हैं। मैंने तो सोच लिया जैसे वो हाँ करेंगे ये अंगूठी उतार के मैं दुआ को पहना दूंगी। ये रे मॉम, बट ये आपकी मोस्ट फेवरेट नहीं है? तो मेरी बहू भी तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। मेरी कोई बेटी नहीं है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से दुआ को अपनी बेटी बना के यहाँ ले आऊँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, ये आप खवातीन इतनी इमोशनल क्यों होती है? लगेगा। ओह माय गॉड, निम्रा की कॉल है, आई थिंक रिश्ते की बात कर रही है। हेलो निम्रा, क्या हाल है? मैं और बॉबी अभी तुम लोगों का ही जिक्र कर रहे थे। कम ऑन मॉम, मुझे चलो। क्या? लेकिन क्यों? ठीक है निम्रा, ये तो दिल के फैसले होते हैं, इन पर जोर जबरदस्ती तो चलती नहीं। मैं और बॉबी दुआ की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। नहीं, इट्स ऑल राइट। खुदा हाफिज। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? उन लोगों ने इनकार कर दिया। मेरे सर्कल में तो वैसे भी इतनी सारी लड़कियां हैं, यू नो इट, दे जस्ट वेट फॉर मी, कभी घास डालूं उनको। हो सकता है तुम दुआ को पहली मुलाकात में मुतासिर ना कर सके हो। आई मीन कि उसने तुम्हें इस नजर से देखा ही ना हो। मॉम, फॉर गॉड्स सेक, यू आर इंसल्टिंग मी नाउ। मैं कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई दुआ के बारे में, शायद इसलिए कि तुम जानते नहीं और मैं जानती, वो बहुत अच्छी लड़की,
मां मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस बारे में फिर कभी बात ना करें। मैं तो जैसी कोई अच्छी लड़की मिलेगी मैं रिश्ता फौरन पक्का कर दूँ। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें लड़की चाहिए कैसे? बिल्कुल दुआ जैसी। अंकल अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ आप बोलो बेटा। अंकल क्या मैं तुम्हारे से कुछ पर्सनली बात कर सकता हूँ? आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया?